हेलो दोस्तों, मैं हूँ रागिनी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रागिनी किचन डायरी। तो आज फिर मिले हैं एक नई टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तो देखते हैं क्या है वो रेसिपी। तुअर के दाने के अप्पे और उत्तप्पा, एक ही बैटर से हम ये दो चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। अप्पे और उत्तप्पा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो बैटर के लिए मैंने एक कटोरी तुअर के दाने लिए हैं। एक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया है, ज्यादा बारीक नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, दरदरा हुआ तो भी चलेगा। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। मिक्सिंग बाउल में मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसमें हम आधा कटोरी सूजी, जिस कटोरी से मैंने तुअर के दाने लिए उसी कटोरी से सूजी और बेसन भी लोगे। आधा कटोरी सूजी ऐड कर लिया है। अब आधा कटोरी बेसन, एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आधा कटोरी इसमें दही ऐड कर लेंगे। अब पूरे स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, इसलिए हाफ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे, एक टीस्पून नमक या फिर स्वादानुसार, एक पिंच हल्दी, एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसे हम एक बार पूरा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे बैटर बनाने के लिए, थोड़ा पानी तो लगेगा। एक कटोरी पानी मैंने ऐड कर लिया है। इसे मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर हरा प्याज हो तो हरा प्याज भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको टमाटर पसंद है तो बारीक बारीक कट करके उसे भी ऐड कर सकते हो। पूरा मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसे 15 मिनट के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। इसमें दही ऐड किया है हमने, इसलिए फर्मेंटेशन अच्छे से होगा। देखते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद अब हम इसे देखेंगे, सूजी अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें एक टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे और एक टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इनो का एक पैकेट भी इसमें ऐड कर सकते हो। बैटर को मिक्स करने के बाद मैंने गैस पे आप पे पैन रखा है। अब हम इसमें एक या दो दो ड्रॉप ऑयल स्प्रेड करेंगे। सबसे पहले हम आपे बनाएंगे। अब इसमें बैटर लगाना है, ज्यादा भर के मत लगाइए क्योंकि ये फूल जाएगा। इसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है इसलिए ये फूल जाएगा। अब इसे ढककर रख देंगे। धीमी आंच पर रखा है मैंने। 2 मिनट के बाद अब देखेंगे। 2 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ इसे। देखिए
एक साइड से अच्छे हुए हैं। अब इसे पलट कर दूसरी साइड से पका लेंगे। सारे अप्पे को मैंने दूसरी तरफ से पलटा लिया है। अब और एक या दो मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिए। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। दूसरी साइड से भी पकना शुरू हुए हैं। अब एक एक करके हम इसे प्लेट में उतार लेंगे। ये हुए हमारे अप्पे तैयार। देखिए ऊपर से पूरे क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। अब हम उत्तपा के लिए बैटर बनाएंगे। बैटर ऑलरेडी तैयार है, लेकिन इसमें एक टेबलस्पून और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर देंगे इसे। उत्तपा बनाने के लिए मैंने 200 पैन उत्तपा पैन गैस पे रख दिया है। अब थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे, एक टीस्पून लगभग। एक ही बैटर से दो दो डिशेस बनाने हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी रेसिपी है, आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। तवा गरम हो चुका है, थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देंगे। इसे ढककर रख देंगे। दो मिनट के बाद मैं इसे देख रही हूँ, नीचे से पूरा पक चुका है। अब इसे हम दूसरी तरफ से सेक लेंगे और दो मिनट के बाद अब इसे सीधा करेंगे और एक बार इसे दूसरी तरफ से सेक लेंगे। लगभग हो चुका है, अब इसे प्लेट में उतार लेंगे। इसी तरह से दूसरे भी उत्तपे बनाने हैं। ये हुआ हमारा उत्तपा तैयार। इसे और भी चटपटा बनाने के लिए इस पे हम थोड़ी सी इमली की चटनी इसे स्प्रेड कर देंगे। सारे तरफ से अब इस पे हम सेव पपड़ी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। ये हुए हमारे तुअर के दाने के अप्पे और उत्तपा तैयार। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।